उधर कोरोना को लेकर रोहतक पीजीआई से अच्छी खबर है। दरअसल वैक्सीन के पहले ट्रायल का दूसरा चरण आज शुरू हो चुका है, जिसमें 26 लोगों का ट्रायल किया गया। इस बारे में बात करते हुए सीनियर डॉक्टर सविता और डॉक्टर रमेश से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है पीजीआई से, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर रमेश और डॉक्टर सविता वर्मा। लगातार इनसे बात कर रहे हैं कोरोना पर, और डॉक्टर साहब फेस वन शुरू हो चुका है, उसके बाद डॉक्टर आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे फेस वन में कुछ लोगों पर ट्रायल किया गया, उसके बाद वो सक्सेस भी रहा, अब फेस वन का दूसरा पार्ट कब शुरू होना है और कितने लोगों पर ट्रायल होना है? फेज़ वन में जैसे हमने आपको बताया था कि 375 लोगों के ऊपर ट्रायल करना था, और उसमें हमने पहले 50 पूरे कर लिए थे, और 50 में से 20 हमने पीजीआईएमएस रोहतक में करे थे। अब उसमें से बचे हैं 325, तो कल डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड की रिपोर्ट आ गई थी, और उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट सारी बिल्कुल ठीक आई है, तो उन्होंने कहा है कि आप आगे बाकी लोगों को रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने स्क्रीनिंग पहले से ही कर रखी थी कुछ लोगों की, तो आज से वैक्सीनेशन दोबारा से शुरू हो गई। तो मैम, सभी जो जितने भी जिन पर वॉलंटियर ने जिन पर सर्च किया जा रहा था, उनकी तबीयत कैसी है, या सिर्फ कोई साइड इफेक्ट भी इस चीज़ का हुआ है? नहीं, वो लोग सारे बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हमारे पास 20 लोगों को हमने वैक्सीन लगाई थी, और उनमें से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, आप लोग पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बात करें, हम लगातार जिस तरह से कोरोना को लेकर पूरा विश्व जो है जूझ रहा है, और एक अच्छी खबर के लिए तरस रहा कि कब अच्छी खबर आएगी। पीजीआई ने एक अच्छी खबर दी है, और अब अगर क्या माने कि जो दूसरा फेज शुरू होगा, फेज वन का दूसरा ट्रायल शुरू होगा, कितने लोगों पर होगा, और कब तक जो है ये शुरू हो जाएगा ट्रायल? इस ट्रायल के अंदर हम लोगों ने 1125 ऑल ओवर इंडिया कवर करना था, और इस ट्रायल में दो फेज हैं, फेज़ वन और फेज़ टू। फेज़ वन के अंदर हम लोगों ने 375 कवर करने थे, उसमें से एक पार्ट है 50 लोगों का, 50 सब्जेक्ट का, वो हम लोगों ने लगा दिए हैं, और उसका डाटा भी आ गया है। हमने ये देखा इस 50 लोगों में किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी रिमेनिंग जो बचे हैं 325, वो हम इसी फेज़ में कवर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने सेकेंड पार्ट, फेज़ वन का सेकेंड पार्ट शुरू कर दिया, और हम लोगों ने आज 6 सब्जेक्ट यानी 6 सब्जेक्ट को हमने वैक्सीन लगाई है। सेकेंड फेज़ जब 375 कवर हो जाएंगे, तो 750 वो सेकेंड फेज़ शुरू हो जाएगा। अब रहा कि वैक्सीन आएगी कब, बेसिकली क्या, हम लोग टाइम इंटरवल पे इसको देखते रहेंगे कि एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमें जितना ड्यूरेशन दिया गया है उस ट्रायल के अंदर, हम उस ड्यूरेशन में इस ट्रायल को कम्प्लीट करके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये डॉक्टर रमेश चंद्र थे, डॉक्टर सविता सीनियर डॉक्टर जो कोविड सेंटर थे, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जल्द से जल्द जो है सेकेंड फेज शुरू होगा। अब फेज वन का सेकेंड पार्ट जो है वो आज से शुरू हुआ है, और इसको लेकर एक जो है देश और प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक वैक्सीन जो है जल्द से जल्द आने वाली है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।